बिहार में कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले मुंगेर से सामने आए हैं। ऐसे में पुलिस कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए मंगलवार को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे मुंगेर पहुंचे। डीजीपी ने मुंगेर पहुंचकर डीएम राजेश मीणा, डीआईजी मनु महाराज, एसपी लिपि सिंह के साथ बैठक कर जिले की स्थिति के बारे में जानकारी ली। इसके बाद डीजीपी जमालपुर नगर परिषद स्थित कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण करने के लिए अधिकारियों के साथ रवाना हो गए। वहां ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों से डीजीपी ने बात की। इस वक्त उनके साथ एसपी लिपि सिंह भी दिखाई दी, जिसके बाद डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि बिहार की धरती आपसी भाईचारे और शांति की धरती है। इस वजह से इस धरती पर किसी तरह की अशांति फैलाने का प्रयास नहीं करें। अगर किसी के द्वारा ऐसा किया जाता है तो उन पर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे सिपाही से लेकर एसपी तक, डीआईजी तक फील्ड में इतना खट रहे हैं, घूम रहे हैं, तो मेरा भी धर्म है कि जा जा करके, खास करके जो ये रेड जोन के इलाके हैं वहाँ जाकर के लोगों से मिल जुल कर उनका माहौल बढ़ाऊँ। व्यवस्था भी किस तरह से काम कर रही है किसी की, सर क्या देखें मुंगेर में सबसे टॉप? अभी तो मैं जा रहा हूँ लेकिन वहाँ किसी प्रेस मीडिया या आप लोगों का जाना अलाउड नहीं सर। सर तो मैं जा रहा हूँ कंटेनमेंट एरिया को देखूँगा और उसके बाद पुलिस पदाधिकारी से बात फिर मैं निकल जाऊँगा। सर कोई मैसेज देना चाहता हूँ, कोरोना बहुत संक्रामक बीमारी है। कोरोना ऐसी बीमारी जो हिंदू नहीं जानती, मुसलमान नहीं जानती, जात मजहब देश भाषा पंथ संप्रदाय किसी से इसका कोई लेना देना नहीं। ये किसी को हो सकता है, कभी भी हो सकता है। बचाव का एक ही तरीका है संक्रमण से बचना। संक्रमण से बचने का एक ही तरीका है लॉकडाउन के नियमों का पालन करना, अपने घर में रहना। तो रोड पर कुछ लोग गाड़ियां चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, तो उसको देख करके आम आदमी को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारे लिए छूट है। जो चलते हुए दिखाई दे रहे हैं वो लोग हैं जो पास पर घूम रहे हैं, जो आवश्यक सेवाओं संबंधित लोग हैं, जो आपातकालीन सेवाओं संबंधित लोग हैं, या जिन गतिविधियों में थोड़ी सरकार की तरफ से छूट दी गई है उससे संबंधित लोग, इनको देख करके लोगों को, आम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हमें भी छूट है। आम आदमी के लिए कोई भी छूट नहीं है, उनको घर में रहना है। पुलिस पर हमले न करें, पुलिस के साथ बदतमीजी न करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, जिला प्रशासन का सहयोग करें, डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मी हैं उनका सहयोग करें, क्योंकि ये सब लोग आपके लिए अपनी जान हथेली पर ले करके लड़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर कोई हेट पोस्ट नहीं दें, प्रोवोकेटिव पोस्ट नहीं करें, ऐसा कोई पोस्ट नहीं डालें जिससे दो जात, दो समाज, दो समुदाय के बीच में नफरत की भावना फैले, क्योंकि ऐसे सारे लोगों के खिलाफ हम लोग गिरफ्तारी कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे और उनको सजा दिलवाएंगे, गुंडा पंजीयन का नाम भी हम दर्ज करेंगे। तो बिहार जो है वो शांति की धरती है, प्रेम की धरती है, हिंसा की धरती है, मोहब्बत की धरती है, पीर मौलवी संत फकीर ऋषि मुनियों की धरती है, ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। यहाँ से मोहब्बत का, प्रेम का, सद्भावना का संदेश पूरी दुनिया में गया है। तो बिहार की माटी पर, बिहार की धरती पर किसी को भी सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ऐसे तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो मेरे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बिहार करोड़ की, 12 करोड़ की आबादी है, सारी बिहार की जनता का बहुत ही आशीर्वाद मिला है हम लोगों को। मैं फिर अपील करता हूँ, लोगों पर नजर रखें, किसी को इस तरह का कोई काम न करने दें जिससे कि दो समुदायों के बीच में किसी तरह का मतभेद पैदा हो या नफरत पैदा हो। लॉकडाउन के सारे नियमों का पालन करें, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, आपस में मिलजुल कर करें, जब तक लॉकडाउन है अपने घर में। आपको बता दें कि बिहार में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 879 हो गई है। इसमें 116 मामले सिर्फ मुंगेर से हैं। वहीं राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। न्यूज़ डेस्क।